क्लियरलीफाइंड स्टेजेस इजी टू अरेज टास्क ये इसकी कुछ एडवांटेजेस है सब कुछ आपको यहाँ पर एक नजर आता है सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर नजर आता है तो यहाँ बहुत ज्यादा आपको मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बस एक रास्ता है उस रास्ते पर चलते जाना है और डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें अच्छा हो पाता है ये छोटे 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 प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है पर वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये वाला मॉडल यूज नहीं करते हैं लोग अगर हम रियलिटी में बात करें तो, तो अब आइए नजर डाल लेते हैं वाटरफॉल मॉडल के ड्रॉबैक्स पर इसकी खामियों पर अब हम नजर डाल लेते हैं तो इसकी सबसे पहली खामी है

क्योंकि इन्होंने पीछे आने का रास्ता ही नहीं रखा अब पीछे आने का रास्ता क्यों अगर इन्होंने नहीं रखा इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो पुराने वाले फेजेस हैं वो सब सही रहे जैसे अगर मान लीजिए डिजाइन वाला पार्ट एक बार कंप्लीट हो गया तो यहां इम्प्लीमेंटेशन पर आएंगे जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा उस दौरान अगर ये पता भी चलता है कि डिजाइनिंग में कोई गड़बड़ है तो पीछे जाने का तो यहां पर कोई रास्ता ही नहीं है तो यहां पर इस चीज को अज्यूम ही कर लिया गया कि हाँ अगर डिजाइनिंग हुई है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है उसमें कोई कहीं कोई गलती नहीं है पिछला वाला जो फेस है उसमें डेवलपर्स ने कोई मिस्टेक नहीं की कोई गलती नहीं की इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पर अब काम करेंगे अब पीछे देखेंगे नहीं कि डिजाइन में कहीं कोई गलती तो नहीं जैसे डिजाइन बन के आ गई बस अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं इस दुनिया में ठीक है तो अब होता है क्या है कि दिस मॉडल अज्यूम्स दैट ऑल द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कैन बी कंप्लीटली एंड करेक्टली डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अब ये मॉडल क्या है कि ये अज्यूम करके चलता है कि जो क्लाइंट आया है जो कस्टमर आया है उसने जब उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई तो उसने सारी की सारी रिक्वायरमेंट सही ही बता दी एक बार में पहले फेज के दौरान उसने सारी रिक्वायरमेंट सही से बता दी है मतलब जो यहां पर एस आर एस बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है तो ऐसा ये अज्यूम कर रहा है पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में जब अगर कोई भी आपको अगर पहली बार में कोई बंदा आता है उसके रिक्वायरमेंट्स अगर बताता भी है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामी रह ही जाती है ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि कुछ ना कुछ तो उस उससे कोई ना कोई चूक हो ही जाती है कोई ना कोई बात बताना भूल जाता है तो हो सकता है कि वो फिर से आपको बाद में आकर फिर से वो चेंजेस बताएं पर यहां पर तो ये मान ही लिया जाता है कि हाँ कस्टमर ने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्कुल करेक्टली और कंप्लीटली डिफाइन कर दिया है बट एक्चुअली कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो वक्त के साथ बदल सकती है उसे हो सकता है कोई और बात याद आ जाए हो सकता है कि कोई रिक्वायरमेंट ऐसी थी जो थी ही नहीं और उसने वहां पर शुरू में गलती से बता दी हो तो प्रैक्टिकली तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है विद द टाइम पर अगर आप क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे देन इट इज डिफिकल्ट टू तो अकोमोडेट एनी चेंज रिक्वेस्ट आप्टर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज इज कम्प्लीट तो अगर आप क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला फेज कंप्लीट हो चुका होगा और अगर आप आगे डिजाइन वाले फेज में आ चुके हैं या आगे और किसी भी फेज में आ चुके हैं और तब अगर आप ये सोचें कि नहीं यार रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई चेंज कुछ चेंज है कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो चेंज करने की यहां पर कोई सहूलियत नहीं दी गई तो ये एक बड़ा यहाँ डिसएडवांटेज है तो ये ये दो बड़े डिसएडवांटेज है हाँ हालांकि अगर आप देखेंगे तो सभी एडवांटेजेस का एक ही यहां पर सार निकल के आता है जितने भी डिसएडवांटेज आप देखोगे वाटरफॉल मॉडल के अंदर तो उन सभी डिसएडवांटेजेस का एक ही सार निकल कर आता है और वो सार ये है कि यहाँ पीछे जाना संभव नहीं है तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है ओवरलैपिंग नहीं हो सकती phases की जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि मान लीजिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम चल रहा है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज पूरा का पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही जाकर फिर डिजाइनिंग पर आप आ सकेंगे ऐसा नहीं होगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम चल रहा है और साथ ही साथ डिजाइनिंग का काम भी शुरू हो जाए ओवरलैपिंग नहीं होगी ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस का मतलब यहां पर ही हो गया कि एक साथ एक से ज्यादा फेजेस में काम चल रहा है तो वो यहाँ मुमकिन नहीं है एक टाइम पर एक फेज पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही अगले फेज का नंबर आएगा को तो हम इसे इस, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया आप आ, कहीं बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में है और वहां पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अब वो जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है प्रोजेक्ट्स हो वहां पर अलग अलग मॉड्यूल्स में होते हैं और पूरी की पूरी एक टीम होती है जो मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है रात दिन मेहनत करती है तो यहाँ पर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर है पांच मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स का मतलब क्या हो गया मॉड्यूल्स का मतलब हो गया प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्से अलग अलग टुकड़े तो मॉड्यूलर अप्रोच यूज की जाती है कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मॉड्यूलर अप्रोच का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं और फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उन छोटे छोटे टास्क को हम कह देते हैं मॉड्यूल तो फिर उन मॉड्यूल्स को उन मॉड्यूल्स पर काम किया जाता है जब वो मॉड्यूल्स बन जाते हैं तो आखिरी में उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है तो मान लीजिए आपका ये जो प्रोजेक्ट है इस इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पांच मॉड्यूल हैं तो इसमें ऐसा है कि ये जो तीन मॉड्यूल हैं ये तीन मॉड्यूल तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ये जो दो मॉड्यूल हैं ये दो मॉड्यूल भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है मतलब ये तीन मॉड्यूल्स जो हैं ये इन बाकी के ये जो दो मॉड्यूल्स हैं इनसे इनका कोई रिश्ता नहीं कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो तीनों मॉड्यूल्स हैं इन्हें हम एक साथ डेवलप कर लें और इन दो मॉड्यूल्स को अलग से हम एक साथ डेवलप कर लें क्या इनमें अगर अगर क्या ये जरूरी है कि इन सभी को एक साथ डेवलप किया जाए जरा इस बात का जवाब दू आ, मेरी आवाज आ रही है सभी को यस yes, हाँ आ, बताओ अच्छा यहां पर ये जो तीनों मॉड्यूल्स हैं जो ग्रीन कलर में है तो ये तीनों मॉड्यूल्स तो क्या है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं जो पिंक कलर है या पर्पल कलर है जो भी ये कलर तो ये दोनों मॉड्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है पर ये तीनों और ये दोनों ये इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको तो हम क्या करें एक साथ डेवलप कर लें अलग से और इनको हम अलग से डेवलप कर लें क्योंकि इनके बीच में तो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है तो यहां पर मान लीजिए जो ये डेवलपर्स हैं तो ये टीम है हमारे पास ठीक अब इसमें ये जो दो बंदे हैं भूपेंदर और जितेंद्र तो ये भूपेंदर और जितेंद्र तो क्या है यहां पर मान लीजिए ये है डिजाइनर और ये जो गजेंद्र और सुरेंद्र हैं ये यहां पर क्या है प्रोग्रामर्स ठीक है बात समझ में आ रही हेलो यस सर आ रही है सो तो नहीं गए सब लोग <laughs> देखो तो ये क्या है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसको आपको थोड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कहानियां बना बना कर <laughs> एक बार चैट विंडो में टाइप करो अगर सुन रहे हो मुझे तो यस सर करो <laughs> सुन रहे हैं <laughs> समझ में आ रहा है yes, sir. Yes, sir. ऐसा yes, तो नहीं लग रहा है कि किस तो जा रहा हो कुछ अगर ऐसा लग रहा हो तो आप पूछ भी सकते हो बीच बीच में चलो ठीक है वैसे ही मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा सब लोगों को इसमें ऐसा कुछ वैसे ज्यादा है नहीं तो आगे हम बढ़ जाते हैं यहां पर हम आ जाते हैं अब देखो जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है तो उसमें जो खामियां थी उसको उनसे उभरने के लिए एक और अगला मॉडल सजेस्ट किया गया तो इसका नाम है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल तो इसमें क्या सहूलियत है आपके पास तो जरा देखो हाँ यहां पर ये यह जहां से मैंने फोटो उठाया है तो जिस बुक से मैंने फोटो उठाया है उसमें पांच ही फेजेज है तो आपको पता ही है कहीं पांच हो सकते कहीं छह हो सकते काम तो वही हो रहा है तो इसमें आपके पास क्या खासियत है मान लीजिए आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद सिस्टम सिस्टम आपने डिजाइन कर लिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया फिर इंटीग्रेशन कर लिया और फिर आखिर में आपने उसको डिप्लॉय कर लिया मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेस में वो सारी चीजें डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस अब यहां आते आते ये समझ में आया इस फेस तक आते आते मान लीजिए ये समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ हुई है कि यार बाकी सब तो ठीक लग रहा है पर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोडिंग वाले पार्ट में कहीं गड़बड़ हो गई है तो अब क्या करें तो इसमें आपके पास वापस जाने का रास्ता भी है तो वापस जाने का आपको रास्ता नजर आ रहा है सीधे आप कहा चले जाए सीधे आप चले जाए इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट के अंदर और यहां जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन आपने कर लिए इसमें जो भी चेंजेस करना थे वो आपने इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में चेंजेस वो कर लिए हैं अब आपको क्या करना होगा फिर से वापस आना होगा कहां पर फिर से आएंगे आप इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग पर और फिर यहां से आप आएंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर तो यहां पीछे जा सकते हैं पर पीछे भी आप कब जा सकते हैं जब आप फाइनल फेज में आ चुके होंगे उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि यहां गलती हुई है तो वहां आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आ चुके थे आपने सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करते हुए आए, और डेवलप करते 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 आप यहां से होते हुए यहां से होते हुए और आप आ गए यहां तक लास्ट फेज तक अब फिर आपको यहां समझ में आता है कि अरे यार कहीं लग रहा है कि आ, रिक्वायर सिस्टम डिजाइन में कहीं कोई गड़बड़ हो गई है यार तो फिर क्या करना होगा यहां से आप कहा जा सकते हैं सीधा सिस्टम डिजाइन वाले स्टेप पर जा सकते हैं यहां अगर आपने डिजाइनिंग में थोड़े चेंजेस किए करेक्शन किया अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने यहां चेंज कर दिया और आप बस यहां चेंज करके और आपने समझ लिया कि ठीक है हो गया हमारा सॉफ्टवेयर सही हो गया डिजाइनिंग में थोड़ी गड़बड़ थी तो उसको हमने सही कर लिया नहीं अब डिजाइनिंग में आपने चेंज किया है तो उसके बाद फिर से आपको किस पर भी आना होगा फिर से इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर भी आना होगा और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर से आपको टेस्टिंग वाले पार्ट पर भी आना होगा और फिर उसके बाद वापस लास्ट वाली स्टेज तक आओगे तब होगा आपका यहाँ काम पूरा तो आप देख सकते हैं कि जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है उसके कंपैरिजन में जो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें आपको पीछे आने का रास्ता मिल रहा है तो ये था वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल बाकी जो आगे के जो मॉडल्स हैं वो आने वाले में हम देखेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल अब हम देखेंगे आने वाली क्लास में तो इस लेक्चर को अब हम यहीं पर एंड करते हैं होती है मुलाकात अगले लेक्चर में अभी मैं पांच मिनट के लिए मॉडल को ओपन करूंगा आप आज के दिन के अटेंडेंस खुद स्वयं ही वहां जाकर मार्क कर दीजिएगा अपने हाथों से ठीक है ठीक है ओके सर ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके यहां पे भी तो नाम लिख दिया हाँ यहां पे नहीं नाम यहां पर आप लोग नाम ना लिखें अब आप सीधा क्या कर सकते हैं आपको ये ताकत दी गई है आपको अधिकार दिया गया है आप खुद मूडल पर जाकर अपने हाथों से खुद अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लीजिए मैं मूडल में जाकर सेटिंग में चेंजेस कर देता हूं पांच मिनट का वक्त रहेगा आपके पास इस पांच मिनट के दौरान आपको आपकी अटेंडेंस मार्क करना है अगर इस पांच मिनट में आप मार्क नहीं कर पाते हैं कुछ टेक्निकल कोई इशू होता है या कुछ और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुरंत आप क्या करेंगे व्हाट्सएप पर बताएं पर जल्दी ही बताइएगा ऐसा ना हो कि आप बता रहे हैं शाम को क्या अरे सर वो सुबह मेरी अटेंडेंस में मार्क नहीं कर पाया था अभी का अभी ही आप मुझे बता दीजिएगा ठीक है आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए aki ba